अफ्रीका से तुअर आयात बढ़ने के साथ ही आयातकों की कम दामों पर बिकवाली बढ़ने से भाव में आंशिक गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले तुअर 100 रुपए घटकर और महाराष्ट्र सफेद 7500 से 7500 जबकि कर्नाटक तुअर 7500 से 7800 रुपए के आसपास देखने को मिली है। दरअसल तुअर दाल में उपभोक्ताओं की खरीदारी कमजोर होने के कारण मिलों की तुअर में खरीदी बढ़ गई है, वैसे जिस जैसे मंदी को सपोर्ट मिल रहा हो। हालांकि ज्यादा मंदी की फिलहाल गुंजाइश कम है। तुअर दाल में भी मिलों द्वारा दामों में कटौती कर बिकवाली की जा रही है। उधर वैवाहिक सीजन चलने के कारण चने से बने उत्पाद चना दाल और बेसन की मांग बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे चने में मिलों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते उम्मीद की जा रही है कि चने के दामों में तेजी बन सकती है। उधर मसूर में नीचे दामों पर बिकवाल हटने से और आयातकों की बिकवाली भी थमने के कारण मंडियों में मसूर के घटते दामों में फिलहाल रुकावट आ चुकी है। मसूर 6400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बाजारों में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।